फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के ऊपर कई क्वेश्चंस है तो उसको डिस्कस करेंगे कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए फिर आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलो फ्रेंड्स, आज का ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ लाइट्स के आधार पर काम करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उसका एसआई यूनिट क्या है? एक तो हेनरी, हर्ट्ज, पास्कल और वो जी डी डायोप्टरी। तो उसका सही आंसर है सी, पास्कल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन थ्री, द मैटर दैट सपोर्ट द साउंड इज कॉल्ड एज द मीडियम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड नन ऑफ द अबो। सो राइट आंसर इज मीडियम। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन। तो एक्चुअली वो किस में कनेक्ट होता है? वो सीरीज विद द लाइव, इसमें कनेक्ट होता है, वो पैरेलल में नहीं होता है। तो फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कनेक्ट करवाते तो वो सीरीज में हमेशा कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव, द इलेक्ट्रिक मोटर है जो किस एनर्जी का कन्वर्जन किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये पूछा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है जनरली, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन वो मैकेनिकल एनर्जी में करता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर, हु वाज द सिक्स क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फर्स्ट टू यूज रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। तो उसका सही आंसर है हल्समायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जिंक, टिटेनियम, सी सल्फर, डी फ्लोरिन। तो राइट आंसर इज फ्लोरिन। एट नंबर का क्वेश्चन, फेरस हैज़ 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe फेरस 2+ आयन में कितने नंबर होते हैं? तो उसका राइट आंसर है 24। ठीक है, अभी नाइन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है? एक तो है कोबाल्ट, सेकंड यूरेनियम, आर्गन या क्रोमियम। इनमें से राइट ऑप्शन है यूरेनियम। ठीक है, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टेन नंबर, टैमारेंडस इंडिका, ये जो साइंटिफिक नियम है तो वो किस इनमें से नीचे वालों से किन में से है? तो एक है नीम, पाइनएप्पल, टैमारिंड और चीकू। तो सही आंसर है इसका टैमारिंड, चीन्स। ठीक है, इलेवन नंबर, एयर हैज़ मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ विच ऑफ इनर्ट गैसेस। तो सी आर्गन, आर्गन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मगर जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, थर्टीन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पैनक्रियाटिक सेल ऑप्शन एक, ऑप्शन बी इपिथेलियल सेल्स, सी है नर्व सेल्स या डी इपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स है जो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द न्यूमोनिया डिसीज। ऑप्शन एक स्किन एंड इंटेस्टाइन, बी यूरिनरी ट्रैक्ट, सी लीवर एंड डी इज लंग्स। तो राइट आंसर इज लंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, बायोफर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू। ऑप्शन एक नाइट्रेट्स, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन गैस एंड डी इज द अमीनो एसिड्स। तो राइट आंसर इज अमोनिया। ठीक है, बायोफर्टिलाइजर जनरली कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। अभी 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एक है इंसुलिन, सेकंड ग्लाइसिन, थर्ड ग्लूकोज एंड डी इज द यूरिया। तो इनमें से कौन सा है कार्बोहाइड्रेट्स है? ग्लूकोज, C6H12O6। वो जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है। ठीक है, अभी 17 नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। ऑप्शन एक झाइलेम, बी फ्लोएम, सी बोथ झाइलेम एंड फ्लोएम एंड डी इज अ कॉर्टेक्स। तो राइट आंसर इज झाइलेम। ठीक है, वो झाइलेम क्या करता है कि रूट में से वाटर कैरी करता है अप टू प्लांट के कई बॉडी पार्ट तक। 18 नंबर, द मेन द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज। ऑप्शन एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बी डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सी प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, डी यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन एक कैल्शियम ऑक्सलेट,
बी सोडियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम नाइट्रेट, डी कैल्शियम बायकार्बोनेट। ओके, तो उसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। 20 नंबर, द वर्ड सीएनजी इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम स्टैंड फॉर, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन ए क्लोरीन नेचुरल गैस, कमर्शियल नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस या कंडेंस नेचुरल गैस। तो राइट आंसर है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी 21, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है। ए ऑप्शन ओ प्लस, बी ओ माइनस, सी ए बी माइनस या डी ए बी प्लस। तो राइट आंसर इज ओ बी माइनस, ओ माइनस। ठीक है, ओ माइनस को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, अभी 21, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो उसका ऑप्शन एक 4.8 × 10⁻¹⁰, सॉरी ये जो है ना ये 10⁻¹⁰ ऐसा पावर में लिखा रहता है, तो 10 10 लिखा है। बी 9.1 × 10⁻³¹⁰, सी 6.023 × 10⁻²³, या डी 6.023 × 10⁻²³। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट। 23, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, मेंडेलिव को या सो। तो राइट आंसर है यही कि डेमेट्री मेंडेलिव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। अभी 24, विच इज द फॉलोइंग पेयर इज द इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो जो बाकी है ये बैरल लिक्विड या लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है ये टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बैरल भी लिक्विड के लिए, मगर पर सेक और डिस्टेंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ ओनली इनकरेक्ट वन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या है इसका आंसर, सीडीसी 666। तो ये क्वेश्चन नंबर 26, ऑन विच प्रिंसिपल्स डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। ए न्यूटन्स लॉ, बी पास्कल्स लॉ, सी आर्किमिडीज लॉ, डी जूल्स लॉ। तो राइट आंसर इज पास्कल्स लॉ के ऊपर जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो उसका वो प्रिंसिपल वर्क होता है। ठीक है, अभी 27, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल किसको बोला जाता है, लैरी पेज, एलन ट्यूरिंग, रेमंड टॉमिलसन या इलन मस्क। तो उसका फादर ऑफ ईमेल रेमंड टॉमिलसन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द फुल फॉर्म ऑफ थार। ठीक है, फर्स्ट थर्मिनल, टर्मिनल हॉट एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टर्मिनल हाई एक्टिविटी एरिया डिफेंस, ये भी नहीं है, टर्मिनल हॉट एक्टिविटी एरिया डिफेंस ये नहीं है। तो उसका राइट आंसर है बी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या है कि यूएसए का एंटी बैलिस्टिक प्रोग्राम जो है तो उसको थर्ड बोला जाता है। ठीक है, 29, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर के लिए वो कॉमन नेम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन BIOS प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन द रोम। ओके, तो एक आंसर है बेसिक, रूट नहीं, बूट नहीं, बेस नहीं है, बिजनेस भी नहीं, तो BIS, तो उसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो उनमें से बी क्या है वो बोला गया था, तो उसका आंसर है बेसिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के क्वेश्चन इतने थे, हम फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।